कि साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। श्रीमद दादु पीठाधीश्वर श्री गोपाल दास जी महाराज के 25 नवंबर को देवलोक गमन होने के साथ ही दादू संप्रदाय में शोक की लहर छा गई है। किसी संत का जाना, परमधाम को मिलन करना, देवलोक गमन करना एक प्रकृति का नियम है। श्री दादू पीठाचार्य गोपाल दास जी महाराज 17 जुलाई 2001 में दादू पीठ के 20वें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। उनके देवलोक गमन के बाद नरेणा पीठ पर पहुंचकर हमारी टीम जेयूपी मीडिया ग्रुप ने भी उन्हें नमन किया और नए उत्तराधिकारी के रूप में ओम प्रकाश दास स्वामी जी को प्रणाम किया। अब 21वें आचार्य के रूप में ओम प्रकाश दास स्वामी दादू पंथ की कमान संभालेंगे और वाणी जी का प्रचार प्रसार करेंगे, दादू पंथ को नई ऊंचाइयां देंगे। आपको बता दें कि 4 अगस्त 2021 को श्री दादूपीठ नरेणा में ही आयोजित एक समारोह में दादूपीठ के 20वें आचार्य गोपाल दास जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ओम प्रकाश दास स्वामी की घोषणा की थी। उस समय भी हमारा सौभाग्य कि हम उस कार्यक्रम के सहभागी थे। इसके साथ ही लोगों में चर्चा है कि किस तरीके से अब दादू पंथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक संत का जाना अपूर्णीय क्षति है। लेकिन निश्चित रूप से आपको बता दें कि महाराज स्वयं भी सुयोग्य रहे, उन्होंने संतवाणी का बहुत अच्छा प्रचार किया, संत संप्रदाय की शोभा बढ़ाई, दादू पंथ को देश और दुनिया में यश और कीर्ति दिलाई और दादू पंथ और संप्रदाय से जुड़े कई स्थानों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, नव निर्माण और विकास की गाथा लिखी। नरेणा का दादू जी महाराज का 7 दिवसीय मेला आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में हमेशा बहुत अच्छा रहा। वाणी जी की शोभा यात्रा हो, संतों का सामेला हो, वो बड़ा अद्भुत रहा है। अभी उनके देवलोक गमन के बाद 26 नवंबर को प्रातः 10 बजे से उनकी बैकुंठी निकाली गई, जो पूरे नरेणा नगर में भ्रमण के बाद में आचार्यों की समाधियों के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां तक ले जाई गई। इस अंतिम यात्रा जिसे हम संतों की भाषा में बैकुंठी कहते हैं, उस बैकुंठी में देश और दुनिया भर से दादू संप्रदाय के अनुयायी और संतगण आए और सभी ने स्वामी जी के अंतिम दर्शन भी किए और दादू संप्रदाय को उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि श्रीमद् दादू पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज 19वें आचार्य श्री हरिराम जी महाराज के शिष्य थे। गोपाल दास जी महाराज का जन्म सीकर जिले के कंवरपुरा गांव में हुआ और मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही गोपाल दास जी संत बन गए थे और दादू द्वारा नरेणा आ गए थे। यहीं पर उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा ली और आचार्य श्री हरिराम जी महाराज के सानिध्य में वो एक योग्य संत बने। जुलाई 2001 में जब आचार्य हरिराम जी महाराज का देवलोक गमन हुआ तो उसके बाद 20वें आचार्य के रूप में गोपाल दास जी महाराज गद्दी पर बैठे और उन्होंने 22 साल तक इस पंथ को दिशा दी, संतों का सम्मान किया और उनके कार्यकाल में नरेणा में ऐतिहासिक आयोजन हुए। श्री दादूदयाल हॉस्पिटल भी महाराज श्री की प्रेरणा से तैयार हुआ। दादूपीठ नरेणा में देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत आए, सोनिया गांधी जी आई, राहुल गांधी आए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए और साथ ही चाहे बीजेपी या कांग्रेस, सभी के प्रति महाराज की एक सद्भावना रही है। उन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर संत वेश का सम्मान किया है और हमेशा हर आने वाले को पूरा मान सम्मान दिया है। आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के देवलोक गमन के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बड़े शीर्ष नेता वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन प्रकट किए और उनकी बैकुंठी में शामिल हुए। उसके बाद बैकुंठ निकालने के बाद आचार्यों की समाधि पर अंतिम संस्कार किया गया और जैसा दादू संप्रदाय की परंपरा है कि संतों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस अवसर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु और सेवाभावी लोग मौजूद रहे। दादूराम और सत्यराम के जयकारों से, श्री दादूदयाल जी महाराज के जयकारों के जयघोष से पूरा नरेणा गुंजायमान रहा और
मुखाग्नि देकर संतु ने उन्हें अंतिम सलाम किया है। ये निश्चित रूप से दादू वाणी में कहा गया है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। तो सब कुछ सर्वश उस माँ प्रकृति और परमात्मा को है। दादू संप्रदाय जो 550 वर्ष पुराना है, संत परवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज ने समाज में फैली कुरूतियों और पाखंडों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और उन्होंने समाज को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए सत्यराम का संबोधन दिया। आज भी जब संत मिलते हैं दादू संप्रदाय में तो सत्यराम महाराज के नाम से संबोधित करते हैं। ये अंतिम प्रणाम है आचार्य श्री गोपालदास जी महाराज को और निश्चित रूप से अग्नि साक्षी है कि उस पंचतंत्र में विलीन होने के बाद भी उनकी प्रेरणाएं हम सबको जीवन भर देती रहेगी। अब देखिए, मैंने स्वयं ने यहाँ पर आचार्य श्री के अंतिम दर्शनों के लिए और यहाँ पर आए संतों से, श्रद्धालु से विशेष बातचीत की है जो भी आपको दिखा रहा हूँ। दादू राम सत्यराम, श्रीमद दादू पीठ के 20वें आचार्य जगतगुरु स्वामी श्री गोपालदास जी महाराज का 25 नवंबर को देवलोक गमन हो गया है। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए देश और दुनिया में रहने वाले दादू जी महाराज के अनुयायी, स्वामी जी महाराज के शिष्य उन्हें नमन करने के लिए दादू पीठ नरेणा में आ रहे हैं। हम लोग टीम JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से भी महाराज श्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में ओम प्रकाश दास जी, जो अब 21वें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, उनको हमने प्रणाम किया है। संत समाज की एक परंपरा है कि जब संत परम धाम को पधारते हैं तो उनके स्मृति में वाणी के पाठ होते हैं, राम नाम सत्य राम का संकीर्तन होता है। और दादू जी महाराज ने कहा कि दा कहता दारिद्र्य मिटे, दू कहता दुख जाई, दादू दादू जो रटे आवागमन नसाई, दहा जीती है जीव की दू कहता भई दूर, ऐसे दादू देव हैं रहिए सदा हुजूर। तो स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की श्री चरणों में माँ प्रकृति और परमात्मा की गोद में स्वामी जी विलीन हो गए हैं। अब इस संप्रदाय की 21वें आचार्य के रूप में ओम प्रकाश दास जी स्वामी संभालेंगे। उनके जितने भी दुनिया में भक्त हैं महाराज जी के, वो सारे आज यहाँ पर आए हैं, श्रद्धा सुमन प्रकट कर रहे हैं। और स्वामी श्री गोपालदास जी महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि ये जो बाहरदरी का निर्माण है जो मुगल काल में हुआ था, उसका नवनिर्माण और विकास महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। देश और दुनिया में दादू जी महाराज की वाणी को उन्होंने अपने गुरुमुख से, गुरु कृपा से, गुरुवाणी से आगे बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो वाणी कर्म तन को काम में और मन को राम में रमाने का संदेश जो दिया है, वो स्वामी गोपालदास जी महाराज ने सबको दिया है। और 20वें आचार्य के रूप में वो 2001 में गद्दी पर विराजमान हुए थे। जब 12 वर्ष यानी एक युग हुआ था तो युग उत्सव के नाम से एक बड़ा आयोजन हमने 2013 में इसी धरती पर किया था और 25 नवंबर 2023 को वो 22 साल इस गद्दी पर रहे और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़कर परमधाम को चले गए हैं। उनकी सेवा भाव, उनकी सरलता, उनकी सादगी सब लोगों को याद रहेगी। और हमने तो कई बार उनके सानिध्य में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, हमारे JVP मीडिया ग्रुप के, चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह हो, तेजाजी का राष्ट्रीय कला संस्कृति महोत्सव हो, गांव-गांव ढाणी ढाणी में शिक्षा की जागृति के कार्यक्रम हो, संस्कार के कार्यक्रम हो, उनमें सदैव महाराज का योगदान अमर रहेगा। नम आँखों से विनम्रता के साथ में उस महान पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। बोले साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। तो सभी लोगों का हम सबका नमन प्रणाम, शांति सद्भाव के साथ में आइए हम सब इस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें और दादू राम सत्यराम की वाणी के साथ में सारे संसार का कल्याण हो। महाराज जी का वाणी, उनका योगदान समाज को, देश को, संत समाज को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? महाराज श्री की वाणी, उनकी सरलता, उनकी साधुता ऐसी थी, दादू संप्रदाय के अलावा भी जो षटदर्शन हमारा संप्रदाय है, जहाँ भी संत हैं, जहाँ भी महाराज विराजमान हो जाते थे, जिस मंच पे चाहे हजारों की संख्या में हो, एकदम सन्नाटा महाराज को सुनने के लिए हो जाता था। इतना ओजस उनकी वाणी में था, इतनी सरलता थी, इतने बड़े पद पे होकर के महाराज ने जीवन ऐसा जिया बिल्कुल साधारण तरीके से, और दादू द्वारा के इस विकास में महाराज ने 4 चांद लगाए हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं दादू द्वारा की जो दिव्यता और भव्यता है वो गोपालदास जी महाराज के सानिध्य में सम्पन्न हुई। यहाँ पर हर साल फरवरी मार्च में दादू जी महाराज का जो वार्षिक मेला, जिसे फागुन मेला कहते हैं, वो भी बड़े स्तर पर भरता है। जब वाणी जी की शोभा यात्रा निकलती है
और बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं। स्वामी जी महाराज के योगदान को किस रूप में देखते हैं? स्वामी जी महाराज के योगदान के लिए क्या बताऊं, जितना बोलें उतना भी कम है हमारे लिए। हम तो जोधपुर से आए हैं और हमारे लिए तो बहुत ही महान थे। 2018 में मेलाना चौमासा आपने बहुत सेवा है। हाँ, मेलाना में 2018 में चौमासा कर रहा था, गुरु महाराज की सेवा में रहे और बहुत ही बढ़िया। स्वामी जी महाराज हर चातुर्मास जो है कभी वह दादू द्वारा में करते थे नरेना में, कभी भक्तों के आग्रह पर वो अलग अलग जगह पर भी जाते थे, तो उनके एक सम्मान की बड़ी भावना है। आज उनके बैकुंठी निकलेगी, तो बैकुंठी निकलने से पहले पूरे जो नरेना है, नरेना के व्यापार मंडल से लेके सारे दुकानदारों ने बाजार बंद रखा है, पूरे गांव की नगरपालिका की तरफ से सफाई है, पूरे नरेना के बाजार से जब बैकुंठी निकलेगी तो पुष्प वर्षा के साथ में महाराज जी को नमन किया जाएगा, अंतिम सलाम किया जाएगा। जी महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी वाणी, उनके काम सदैव लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे, क्या कहेंगे? महाराज श्री की उपस्थिति में दादू धाम नारायणा की समृद्धि उन्नति हुई। आज उनके जाने से पूरे आध्यात्मिक जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऐसे महापुरुष जो सरल और सजग और सहज स्वभाव के थे, सबको साथ में लेके चल रहे थे, ऐसे संत पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल, तो ऐसे संत कहते हैं कि संत तरवर जो माँ प्रकृति के कुछ उपहार होते हैं वो बिरले होते हैं, कि सती जति अर सूरमा आ मरुधरा मोतियारी खान, गोपाल दास जी सरी का संत जने आम हकी माइडरी पहचान। तो ये संतों की बड़ी अद्भुत कृपा है। इधर ये दादूवाणी का मंदिर है सत्यराम, ये महाराज जी के अनुयायी कई जगह से आए हैं। महाराज जी की सेवाओं को, उनकी सादगी को, उनकी वाणी को किस रूप में नमन करेंगे? नमस्कार जी। तो निश्चित रूप से कहीं तो इतने भावुक हैं कि शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उस महान पुरुष के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा आस्था रही है। और मैं तो निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हमने उनको गुरु रूप में माना है, कि गुरु जग मग करता तारा हरे, गुरु जग मग करता तारा हरे, ऐसी ज्योत जड़ाई मारा सद गुरु, मिट गया सकल अंधेरा रे, गुरु मिट गया सकल अंधेरा रे। आज प्रकाशमान है दादू जी की वाणी, जो 500 वर्ष पहले इस धरती पर अवतरित हुई, उस वाणी को संतों ने अपनी संत परंपरा से संवाहक के रूप में आगे बढ़ाया है। और दादू संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें वाणी को ही महत्व है। जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु रूप में पूजा जाता है, उसी रूप में दादू पंथ में वाणी को ही गुरु मानकर पूजा जाता है। इसलिए गुरु सदैव अमर है, वो आदि है, अनंत है, अच्युत है, अकाट्य है, और उसकी महिमा को गुरुवाणी में, संतों की वाणी में दिखाया गया है। आइए आपको दादू वाणी जी के दर्शन करवाता हूँ। बोलो दयाल महाराज की जय। तो सत्यराम महाराज प्रणाम जी। ये श्री दादूवाणी मंदिर है यहाँ का, जो दादू जी महाराज के समय और उसके बाद में, अभी ये जो भारदरी जहाँ पर महाराज विराजते थे उसका नवनिर्माण और विकास हो रहा है। हमारे बीच में पौधाम के महंत रामनिवास दास जी महाराज है, जहाँ पर संत गंगादास जी महाराज ने, संत पोकरदास जी महाराज ने महान साधना की थी, जहाँ नज़दीकी चतुर्दास जी महाराज हुए, सुखराम दास जी महाराज हुए, जिनकी हम रोज़ वंदना करते हैं, कि एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, महा का गंगादास जी ने बार बार वंदना, सुखराम दास जी ने बार बार वंदना, पोकरदास जी ने बार बार वंदना, चतुर्दास जी ने बार बार वंदना। दादूपीठ के 20वें आचार्य गोपाल दास जी महाराज आपके गुरु भाई भी रहे हैं, किस तरीके की यादें हैं, किस शब्दों में उन्हें नमन करेंगे? गोपाल दास जी का तो वैसे गुणान गा जितना गाएँ उतना ही कम है। एक समाज को बहुत अच्छा निर्देश दिया और समाज को अच्छा चलाया उन्होंने, या निर्माण भी बहुत अच्छा किया, प्रचार प्रसार इतना हुआ गोपाल दास जी महाराज की टाइम के अंदर जितना शायद किसी के टाइम में नहीं हुआ होगा। और हमारे समाज के अंदर कई अच्छे कानून भी बनाए उन्होंने, उनके कानून के अनुसार हम चलते हैं, आज भी उनको वही भाव है और उनकी बहुत याद आती है। और उनका कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से होए, विशाल होए, और गोपाल दास जी महाराज के तो एक ही मन में थी कि ये बारादरी बने, और मैं करीब के सबको बोला कम से कम 5-6 लाख आदमियों को इकट्ठा करूं, लेकिन दादूदयाल महाराज ने वो मंजूर नहीं था। हमारे रामेश्वर जी, रामेश्वर जी ये बना रहे हैं हमारे समाज वाले,
तो ये जल्दी बनेगी और जल्दी। बिल्कुल, संतों के देवरे सदैव रहेंगे, उनकी यादें उनकी वाणी सदा अमर रहेगी, इसलिए वाणी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। व्यक्ति भले संसार में शरीर से नहीं रहे लेकिन उसके कर्म, उसके कर्मों की सुगंध सबको सुवासित करती रहेगी। ऐसे गोपाल दास जी महाराज थे जिनके कर्मों की सुगंध से हम सब सुवासित हो रहे हैं। हमारे बीच जोधपुर से राम गोपाल दास जी महाराज हैं, पश्चिमी अखाड़े के महंत हैं। महाराज जी किस रूप में गोपाल दास जी को नमन करेंगे? नमन ही है, बड़े आनंद है। जी, तो निश्चित रूप से सभी संत भावुक भी हैं और जो जिस तरीके से उनके साथ यादें जुड़ी थी। गोवर्धन दास जी महाराज जो भेराना धाम के महंत हैं, पांच धामों में एक धाम है। हाँ, पांच धाम है दादू जी महाराज की, नरेणा धाम, भेराना जी धाम, सांबर धाम, करडाला धाम और आमेर धाम, जिसमें करडाला साधना स्थली कहलाती है, नरेणा आचार्य गद्दी, भेराना धाम मोक्ष स्थली और सांबर धाम परीक्षा स्थली के रूप में, आमेर धाम लीला धाम के रूप में जानी जाती है। तो हमारे बीच भेराना धाम जी की जो मोक्ष स्थली है दादू जी महाराज की। जी, स्वामी जी महाराज का कैसा जीवन रहा, किस तरीके से पंथ को उन्होंने बढ़ाया? बहुत अच्छा जीवन रहा, समाज में अनेक भक्तों में सब जगह हर जगह प्रचार प्रसार दादू जी महाराज के गुणगान के, और यहाँ स्थान का बहुत अच्छे विकास और बहुत ही जीर्णोद्धारों के द्वारा पक्की नियम लगा के यहाँ बहुत इतिहास के रूप में इसको बनाया। यही दयाल जी महाराज के वैश्री और उनकी यही मनोकामना पूर्ण होती रही सत्य। बिल्कुल, तो दादू दयाल जी महाराज की संत वाणी को और दादू पंथ को उन्होंने पूरी दुनिया में यश और कीर्ति दिलाई, और जहाँ भी उनके सत्संग के कार्यक्रम हुए, अन्य कार्यक्रम हुए, बहुत सारे समाजों में उन्होंने शिक्षा की जागृति का अभियान चलाया। आज हर उपखंड मुख्यालय पर बालिका हॉस्टल हो, अन्य शिक्षण संस्थान हो, वो उनकी प्रेरणा से खुले। समाज में प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए हमारी जो अन्य विशिष्ट प्रतिभाएं थी उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने सदैव आशीर्वाद दिया है। तो उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से आज चाहे राज्य में हो चाहे समाज में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, तो ये उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं रिटायर्ड कृषि अधिकारी हूँ और हमारा जो कावड़ी डोंगरी जो है सिद्ध महात्माओं का, विरक्त बाबाजियों का तपोसली है। महाराज ने सबसे श्रेष्ठ जो काम किया है वो संत साहित्य को नया छपवाया है। गरीबदास जी महाराज की वाणी है, सुंदरदास जी महाराज की वाणी है और रजब जी महाराज की वाणी है, जगजीवन बाबा की वाणी है, सभी संत महात्माओं जो महापुरुष हुए हैं जितने भी दादू पंथ में पुराने, उनकी सबकी जो वाणियाँ छिपी हुई नहीं थी उनको उन्होंने जो है नया साहित्य, संत साहित्य, दादू समाज में जितने भी महात्मा हुए हैं उनकी वाणियों को छपाईवाया है, संत साहित्य को उजागर किया है और एक लाइब्रेरी हमने बना रखी है। आखिरी में उन्होंने जो है दादू पंथ प्रकाश का नाम से एक बहुत बड़ा ग्रंथ छपाया है, उसमें जो है दादू पंथ का पूरा इतिहास है और जो है दादू पंथी जितने भी आचार्य हुए हैं उनकी जीवनचर्या, उनकी जीवनी के बारे में उन्होंने किया है। जो अनजान आदमी जो नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं कि उनकी जीवनचर्या कैसी थी, उनके क्या उपदेश थे और दादूवाणी के जितने भी जो है स्थान है उसके बारे में उनका दादू पंथ का पूरा, इस नारायण का पूरा इतिहास उस ग्रंथ में उन्होंने समायोजित। बिल्कुल, तो उसका संत साहित्य के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। और जो दादू वाणी जी का मंदिर है उधर बारह दरी है, इसके साथ ही इधर जो है ये पूरा नवनिर्माण विकास हो रहा है। खेजड़ा जी महाराज का स्थान, इधर से शोभा वाणी, जब दादू जी का मेला फाल्गुन माह में लगता है तो उस समय फरवरी मार्च का महीना होता है और वो दादू जी का मेला चलता है। तो इस तरीके से संत समाज को उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और महाराज जी का वाणी प्रचार, उनके उपदेश हमारे दिलो जान में सदैव बसे रहेंगे। और जीवन का यही एक सच है कि दादू राम दादू राम दादू राम कई है, सत्य राम सत्य राम सत्य राम कई है, जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है। और जिस रूप में भगवान रखे उस रूप में हम सबको रहना चाहिए, और जैसा भगवान रखेगा जैसा राम की रुचि होगी, कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तो राम जी की जो रुचि रहेगी उसके अनुसार अपन भी रहेंगे तो अपना भी जीवन सरल रहेगा। यहाँ पर गोपाल दास जी महाराज ने कई सारे चातुर्मास किए, कई सारे राष्ट्रीय सम्मेलन किए, बहुत सारे संत समाज के समागम किए, सद्भाव सम्मेलन किए, धर्म सभाएँ की है, और दादू संप्रदाय के आचार्य के रूप में उन्होंने हर धर्म और संप्रदाय के
धर्म गुरुओं की बड़ी सम्मान आदर भाव के साथ में उनकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। और संतों की वाणी सबको जोड़ने वाली वाणी होती है, इसलिए जीवन में कभी हानि और लाभ कुछ भी रहा हो तो दादू जी ने फरमाया है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। मैं चाहूँगा कि इस भजन को आप सब गाएं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, दादू राम दादू राम दादू राम कई है, सत्य राम सत्य राम सत्य राम कई है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हर व्यक्ति अपने जीवन में आता है, उस जीवन के आने के साथ ही उसकी जो डोर है उस परमात्मा के हाथ में होती है, और इसीलिए वाणी में कहा है कि जिंदगी की डोरी सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद दादू राम कई है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, दादू राम दादू राम कही है, सत्य राम सत्य राम कही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जीवन का उनका आखिरी संदेश जो है, हर व्यक्ति इस प्रकृति में आता है और उस प्रकृति में समाहित हो जाता है, तो कहा कि आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजा नाता तोड़ दे, विषय वासना त्याग शुभ कर्म करते रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और जीवन का अगर आनंद लेना है अध्यात्म का, जब संत जाते हैं संसार से तो मातम नहीं होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, उनकी बरसी पर बड़े आयोजन होते हैं, इस देश में चाहे लोक देवता हुए, चाहे सैनिक शहीद होते हैं या संत परमधाम को जाते हैं, तो वो उत्सव का दिन होता है। शहादत कहते हैं कि लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का, शहीदों की शहादत के मेले लगते हैं। लोक देवता चाहे तेजाजी महाराज हुए, गोगा जी महाराज हुए, राला बाबा हुए, सबकी शहादत पर मेले लगते हैं। आज भी तेजादशमी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अगर किसी का अध्यात्म से, प्रकृति से, उस भक्ति के पथ से प्रेम नहीं हुआ, उसके जाने से मातम होता, दुख होता है, रोना पीटना होता है। इसलिए संत जब परम धाम को जाते हैं तो उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए आज और कल का ये दिन बड़ा दिन है, और निश्चित रूप से हमारे जीवन का भी हम सबको ये सीखना चाहिए कि साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, दादू राम दादू राम दादू राम कही है, सत्य राम सत्य राम सत्य राम कही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। बोले साधु श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की, बोले जगत गुरु स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज की, और अब 21वें आचार्य के रूप में ओम प्रकाश दास जी महाराज को संत समाज ने प्रतिष्ठापित किया है। ये दादू पंत की परंपरा इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, हम सबका जीवन परमार्थ के लिए रहे, और उस परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ में दादू पंत प्रगति करे, कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ। सत्य राम महाराज सत्य।